धड़कने रोकने वाले मैच में जीती हैदराबाद, क्या है मामला जानते इस वीडियो में। आईपीएल के एक रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल को 4 विकेट से हरा दिया। 7 मई रविवार को जयपुर में हुए मुकाबले में राजस्थान ने सनराइजर्स को जीत के लिए 215 रनों का टारगेट दिया। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिरी गेंद पर टारगेट को हासिल कर लिया। इस मुकाबले की आखिरी गेंद पर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। उस आखिरी गेंद पर संदीप शर्मा ने अब्दुल समद को कैच आउट करा दिया था, लेकिन वह नो बॉल निकली। ऐसे में वह लीगल गेंद नहीं मानी गई। नो बॉल के चलते अब सनराइजर्स को 4 रनों की जरूरत थी। ऐसे में स्ट्राइकर बल्लेबाज अब्दुल समद कहां चुकने वाले थे और उन्होंने फ्री हिट पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे नेक्स्ट आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स को 27 रनों से रौंदा, क्या है मामला जानते इस वीडियो में। आईपीएल 2023 के 55वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल को 27 रनों से हरा दिया। 10 मई बुधवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली को 168 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में दिल्ली की टीम पूरे 20 ओवर्स खेलने के बावजूद 8 विकेट पर 140 रन ही बना सकी। चेन्नई सुपर किंग्स की मौजूदा सीजन 12 मुकाबले में यह 7वीं जीत रही और वह पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर कायम। वहीं दिल्ली कैपिटल ने इस सीजन 7वां मुकाबला गंवाया है और वह आखिरी पायदान पर है। इस हार के चलते दिल्ली कैपिटल की प्ले ऑफ में पहुँचने की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल की शुरुआत काफी खराब रही। कप्तान डेविड वार्नर अपना खाता नहीं खोल पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे नेक्स्ट आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में बड़े बदलाव, यश्वी जायसवाल और युजेंद्र चहल ने किया कमाल, क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में। आईपीएल 2023 के 56वें मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इस मैच में धमाकेदार जीत दर्ज करने वाली राजस्थान रॉयल के 2 स्टार खिलाड़ी यश्वी जायसवाल और युजेंद्र चहल को काफी फायदा हुआ है। 98 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले यश्वी 2 रनों से अपने दूसरे आईपीएल शतक से तो चूके ही, साथ ही वह इतने ही रनों से ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 1 बनने से भी चूक गए। वहीं युजेंद्र चहल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाकर पर्पल कैप पर अपना कब्जा जमाया। आईपीएल 2023 के 57वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेट से हरा दिया। 11 मई गुरुवार को ईडन गार्डन्स में हुए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल को जीत के लिए 150 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 14वें ओवर में हासिल कर लिया। राजस्थान की जीत के हीरो यश्वी जायसवाल रहे, जिन्होंने नाबाद 98 रनों की पारी खेली। यश्वी ने अपनी पारी में 47 गेंदों का सामना किया और 13 चौके के अलावा 5 छक्के लगाए। टारगेट का पीछा करते हुए ओपनर बल्लेबाज यश्वी जायसवाल ने राजस्थान को ताबड़तोड़ शुरुआत दी। बाएं हाथ के बल्लेबाज यश्वी ने पारी के पहले ही ओवर में 26 रन बटोरे। यश्वी की तूफानी बैटिंग जारी रही और उन्होंने 13 गेंदों पर ही अपनी 50 पूरी कर ली। आईपीएल 2023 के 58वें मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 182 रन बनाए थे। हेनरिच ने 29 गेंदों में 47 रन और अब्दुल समद ने 25 गेंदों में 37 रन की पारी खेली। जवाब में लखनऊ ने 19 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। निकोलस ने 13 गेंद में ताबड़तोड़ 44 रन बनाए। अगर बात करें स्टोनिस की तो स्टोनिस ने 25 गेंदों में 40 रन की पारी खेली। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे नेक्स्ट आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सूर्य ईशान का तूफान, मुंबई ने आईपीएल में रचा इतिहास, बड़ा स्कोर बनाकर ऐसे हारा पंजाब, क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने इतिहास रच दिया, उसने लगातार दूसरे मैच में 200 या उससे ज्यादा का स्कोर चेस किया है। मुंबई इंडियंस ऐसा करने वाली आईपीएल इतिहास की पहली टीम बन गई है। उसने यह कारनामा सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की ताबड़तोड़ पारी के बदौलत किया। दरअसल मुंबई इंडियंस ने 30 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 213 रनों का टारगेट चेस किया था। इसके बाद टीम ने अगले मैच में बुधवार 3 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला। पंजाब की टीम के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने 215 रनों का टारगेट चेस कर इतिहास रच दिया। साथ ही मुंबई ने ये आईपीएल इतिहास का 4वां सबसे बड़ा टारगेट चेस किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे नेक्स्ट आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। केकेआर का साथ छोड़ गए लिटन दास, अब 39 गेंदों में शतक जड़ने वाला लगाएगा नैया पार, क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में।
कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार बल्लेबाज लेटन दास आईपीएल छोड़कर जा चुके हैं। दास 28 अप्रैल को ही अपने परिवार में किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण बांग्लादेश लौट गए थे और अब वापस नहीं लौटेंगे। इसी कारण केकेआर ने चार्ल्स को दास की जगह मौका दिया है। चार्ल्स लंबे समय से वेस्टइंडीज की टीम में शामिल है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में इस खिलाड़ी ने 39 गेंदों में शतक लगाते हुए 118 रनों की पारी खेली थी। वह अब तक अपने देश के लिए 41 T20 मैच खेले हैं। इन 41 मैच में उनके नाम 971 मैच हैं, जिसमें से एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट IPL से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। IPL 2023 के 57वें मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटन को 27 रनों से हरा दिया। 12 मई शुक्रवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात को जीतने के लिए 219 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए हार्दिक की टीम 8 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। गुजरात के लिए राशिद खान ने महज 22 गेंदों पर नाबाद 79 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 3 चौके शामिल रहे। इस जीत के बाद 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम अब पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर आ गई है। IPL 2023 के 57वें मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटन को 27 रनों से हरा दिया। 12 मई शुक्रवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात को जीतने के लिए 219 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए हार्दिक की टीम 8 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। गुजरात के लिए राशिद खान ने महज 22 गेंदों पर नाबाद 79 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 3 चौके शामिल रहे। इस जीत के बाद 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम अब पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर आ गई है। क्रिस गेल और पुलार्ड के स्पेशल T20 क्लब में शामिल हुए आंद्रे रसल, क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए IPL में खेल रहे वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसल का प्रदर्शन इस बार फीका रहा। वो वैसी आतिश बल्लेबाजी इस बार नहीं कर सके जिसके लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रसल ने फॉर्म में लौटने के संकेत तो जरूर दिए, लेकिन 15 गेंद में 24 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन पवेलियन वापस लौटने से पहले इस छोटी सी पारी के दौरान जड़े दो छक्के की मदद से रसल ने अपना नाम T20 क्रिकेट इतिहास में 600 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ये उपलब्धि T20 करियर में 1446वें मैच की 384वीं पारी में बल्लेबाजी करते हुए हासिल की। IPL ने 108 मैच में रसल ने कुल 188 छक्के जड़े हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे नेक्स्ट IPL से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पांड्या ब्रदर्स का जलवा, IPL में वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर सका, क्या है मामला जानते इस वीडियो में। IPL 2023 में पांड्या ब्रदर्स यानी हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या का जलवा देखने को मिल रहा है। दोनों भाइयों ने दो नई टीमों की कमान संभाल ली है। इस तरह इन पांड्या ब्रदर्स ने IPL इतिहास में एक अनोखा ही रिकॉर्ड कायम कर लिया है जो अब तक कोई नहीं कर सका है। हार्दिक और कुणाल की जोड़ी IPL इतिहास में कप्तानी करने वाले भाइयों की पहली जोड़ी बन गई। दरअसल IPL में 2022 सीजन से दो नई टीमों ने एंट्री की थी। ये टीम गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉइंट है। पहले ही सीजन में हार्दिक पांड्या को गुजरात टीम का कप्तान बनाया गया था। तब तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक ने अपनी कप्तानी में गुजरात को पहले ही सीजन में चैंपियन बना दिया था। हार्दिक को गुजरात ने फ्रेंचाइजी ने 15 करोड़ रुपए में साइन किया था, मगर स्पिन ऑलराउंडर कुणाल पांड्या को लखनऊ टीम ने 8 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। साथ ही कुणाल पांड्या को टीम का उपकप्तान बनाया गया जबकि टीम की कमान KL राहुल को सौंपी गई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। 450 से ज्यादा रन 22 छक्के, लखनऊ पंजाब मैच में हुई रनों की बारिश बने कई रिकॉर्ड, क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में। IPL 2023 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में KL राहुल की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जॉइंट ने पंजाब किंग्स को 56 रनों से हरा दिया। 28 अप्रैल को मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में खेले गए इस मुकाबले में लखनऊ की टीम ने 5 विकेट पर 257 रनों का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में शिखर धवन की अगुवाई वाली टीम 19 ओवर में 201 रन पर ही सिमट गई। वैसे पंजाब लखनऊ के बीच का ये मुकाबला फैंस हमेशा याद रखेंगे। इस मुकाबले में दोनों तरफ से रनों की बारिश हुई और कुल 458 रन बने। IPL इतिहास में ये सिर्फ चौथा मौका रहा जब किसी मुकाबले में 450 से ज्यादा रन बने। साल 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल के बीच हुए मुकाबले में 469 रन बने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी IPL से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के हेड टू हेड आंकड़े, क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में।
आईपीएल 2023 का 46वां मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम मुंबई के बीच मोहाली के आईएस बिंद्रा में खेला जाना है। दोनों टीमें 16वें सीजन में दोबारा आमने सामने आने के लिए तैयार हैं, जहां एक बार फिर शिखर धवन और रोहित शर्मा एक दूसरे का सामना करेंगे। पिछले मैच में एमआई को उसके घर में पीबीकेएस ने मात दी थी। वहीं रोहित शर्मा एंड कंपनी अपना बदला लेने के लिए तैयार हैं। पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच ये मुकाबला 3 मई को शाम 7:30 बजे शुरू होना है, जहां पंजाब किंग्स अपना पिछला मैच सीएसके के खिलाफ जीत के बाद एमआई के सामने उतरेगी। वहीं मुंबई इंडियंस भी अपना पिछला मैच आरआर के खिलाफ जीत कर आ रही है। इसी वजह से दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नेक्स्ट आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 27 रन से हराकर आईपीएल 2023 में 7वीं जीत हासिल कर ली है। इस जीत के साथ ही ये टीम पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर आ गई है। इस मैच में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 191 रन ही बना पाई और 27 रन से मैच हार गई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नेक्स्ट आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। केएल राहुल ने बढ़ाई बीसीसीआई की टेंशन, चोट पर आया परेशान कर देने वाला अपडेट। अब कुणाल पांड्या संभालेंगे एलएसजी की कमान, क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ मैदान पर हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद लखनऊ सुपर जायंट को आज अपने अगले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उतरना है। इस मैच से पहले लखनऊ के लिए एक बुरी खबर आई है। रेगुलर कप्तान केएल राहुल की चोट काफी गंभीर है। सीएसके के खिलाफ मैच के दौरान वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। राहुल के स्थान पर ये जिम्मेदारी कुणाल पांड्या के कंधे पर रहेगी। कुणाल ने केएल के चोटीले होने के बाद आरसीबी के खिलाफ बाकी बचे मैच में कप्तानी की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि केएल राहुल एक केंद्रीय अनुबंध वाले खिलाड़ी हैं, जिसे देखते हुए उनके इलाज की जिम्मेदारी राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी की बनती है। एनसीए की सलाह के बिना अब केएल राहुल आईपीएल में कोई मैच नहीं खेल पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। विजय शंकर ने पलट दिया पूरा गेम, केकेआर को हरा, टॉप पर पहुंच गई गुजरात टाइटंस, क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में। आईपीएल 2023 के मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। 29 अप्रैल शनिवार को ईडन गार्डन्स में हुए मुकाबले में कोलकाता ने गुजरात को जीत के लिए 180 रन का टारगेट दिया था, जिसे उसने 13 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। गुजरात टाइटंस की जीत के हीरो विजय शंकर रहे, जिन्होंने नाबाद 51 रनों की पारी खेली। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस की टीम अब इस जीत के साथ ही टॉप पर आ गई है। गुजरात टाइटंस ने अब तक 8 में से 6 मुकाबले जीते हैं। दूसरी ओर कोलकाता टीम ने अब तक 9 में से 3 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अभी 7वें नंबर पर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नेक्स्ट आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आरसीबी वर्सेस केकेआर, प्लेऑफ के रेस में बरकरार कोलकाता, कोहली की आरसीबी टीम को दूसरी बार हराया, क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में। आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 8वें मैच में शानदार जीत दर्ज की। बेंगलुरु के मैदान पर बुधवार 26 अप्रैल को खेले गए मुकाबले में आरसीबी को 21 रनों से करारी शिकस्त दी। इस मैच में केकेआर के बल्लेबाज और गेंदबाजों ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया। 201 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की टीम अपने ही घरेलू मैदान पर 8 विकेट गंवाकर 179 रन ही बना सकी। इस तरह ये मैच गंवा दिया। टीम के लिए इस मैच में कप्तानी संभाल रहे विराट कोहली ने 37 गेंद पर सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। कोलकाता के बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया। टीम के लिए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, जबकि सुरेश शर्मा को 2 सफलता मिली। मीडियम तेज गेंदबाज आंद्रे रसल ने भी 2 अहम विकेट छटके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप पर राशिद खान का कब्जा, ऑरेंज कैप के लिए इन खिलाड़ियों के बीच जंग, क्या मामला जानते हैं इस वीडियो में। आईपीएल 2023 की पर्पल कैप अब राशिद खान के पास पहुंच गई है। 25 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में उन्होंने 2 विकेट चटकाए। राशिद खान आईपीएल 2023 में अब तक सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दी जाती है। इसी तरह हर सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ऑरेंज कैप दी जाती है। राशिद खान 16वें सीजन में अब तक सबसे ज्यादा 14 विकेट ले चुके हैं। हालांकि पर्पल कैप के लिए उन्हें मोहम्मद सिराज
और अर्शदीप सिंह से कड़ी चुनौती मिल रही है। ये दोनों गेंदबाज अब तक 13-13 विकेट छटका चुके हैं। आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने ऑरेंज कैप पर अपनी मजबूती पकड़ बना ली है। आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा 405 रन बनाए हैं, जिनमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। 16वें सीजन में उनका हाईएस्ट स्कोर 84 रन रहा है। फाफ के अलावा किसी भी खिलाड़ी ने इस सीजन में अभी तक 400 रन का आंकड़ा पार नहीं किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। डेविड वार्नर 150 से कम के स्कोर को डिफेंड करने वाले दिल्ली के पहले कप्तान बने। डेविड वार्नर की कप्तानी में दिल्ली की टीम ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी और इस टीम ने लीग का अपना 7वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीतने में सफलता हासिल की। ये इस सीजन में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत रही और इससे पहले इस टीम को लगातार 5 मैचों में हार मिली। हैदराबाद के खिलाफ जीत हासिल करते हुए डेविड वार्नर आईपीएल इतिहास में दिल्ली के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने 150 से नीचे का स्कोर डिफेंड करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि हैदराबाद के खिलाफ मैच में दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उनका ये फैसला सही साबित होता नहीं दिखा। इस टीम ने अपने शुरुआती 5 विकेट 72 रन पर गंवा दिए थे। इसके बाद मनीष पांडे और अक्षर पटेल ने 34-34 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 20 ओवर में 9 विकेट पर 144 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। कप्तान डेविड वार्नर ने भी 21 रन की पारी खेली। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक ओवर में 4 छक्के जड़ने वाले ढांसू खिलाड़ी की मैच फीस कटी। विराट से वार्नर तक इनको लगा लाखों का फटका। क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में। कोलकाता नाइट राइडर्स के ढांसू बल्लेबाज जॉसन रॉय ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ 26 अप्रैल को खेले गए मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की। उन्होंने मैच में 29 गेंदों पर 50 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। रॉय ने आरसीबी के गेंदबाज शहबाज के एक ही ओवर में 4 छक्के लगाए। हालांकि जॉसन रॉय पर आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 अपराध के आर्टिकल 2.2 के तहत कार्रवाई हुई। आर्टिकल 2.2 के तहत कार्रवाई तब होती है जब कोई मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़े ग्राउंड उपकरण का दुरुपयोग करता है। इससे पहले आरसीबी के खिलाफ एक मैच में अवैस ने विजयी रन लेने के बाद अपना हेलमेट जमीन पर फेंक दिया था। इसके बाद उन पर भी जॉसन रॉय की तरह कार्रवाई हुई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। रोहित शर्मा को राशिद खान से रहना होगा सतर्क। मुंबई इंडियंस के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं तिलक वर्मा और ईशांत किशन। आईपीएल 2023 के 35वें मैच में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस में भिड़ंत होनी है। इस मैच में रोहित शर्मा को राशिद खान से खास सतर्क रहना होगा। वहीं मुंबई इंडियंस के लिए ईशांत किशन और तिलक वर्मा ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। आईपीएल में राशिद खान ने रोहित शर्मा को अब तक 21 गेंद फेंकी है। इस दौरान रोहित ने 23 रन बनाए हैं, जबकि 3 बार अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर का शिकार हुए हैं। हालांकि पिछले 3 साल से ईशान किशन और तिलक वर्मा का लेग स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है। ईशान और तिलक आईपीएल 2020 की शुरुआत के बाद से अब तक लेग स्पिन के खिलाफ 150 रन बना चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लेऑफ से पहले सीएसके को लगा बड़ा झटका। नॉकआउट मैचों में नजर नहीं आएंगे ये खिलाड़ी। क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में। आईपीएल 16 का सीजन अपने पहले चरण की समाप्ति की ओर और टीमें लीग के दूसरे भाग में हिस्सा लेने को बढ़ रही। इसी बीच विश्व टेस्ट चैंपियन के फाइनल हिस्सा बनने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों के जल्दी वापस जाने के फैसले को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने निर्देश जारी किया है और साफ कर दिया है कि ये फैसला पूरी तरह खिलाड़ियों पर रहेगा। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेब्यू करने वाले बेन स्टोक प्लेऑफ से पहले वापस जा सकते हैं। उनके लिए यह सीजन प्लान के हिसाब से नहीं रहा है और वो अब तक सिर्फ एक ही मैच खेल सके हैं। उसके बाद से वो लगातार चोट के चलते मैदान से बाहर नजर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुजरात ने मुंबई को 55 रन से हराया। पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंची हार्दिक पांडे की टीम। क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में। आईपीएल 2023 के 35वें मैच में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रन से हराया। 208 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही मुंबई की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 152 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ ही गुजरात ने पॉइंट टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। मुंबई की ओर से निहाल वाड्रा ने सबसे अधिक 40 रन बनाए। गुजरात की ओर से नूर अहमद ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। मोहित शर्मा और राशिद खान को 2-2 विकेट मिले। गुजरात की तरफ से शुभम गिल ने सबसे अधिक 56 रन की पारी खेली। अभिनव मनोहर ने 42 रन बनाए। बता दें कि आईपीएल में ये टीम दूसरी बार आमने सामने थी। पिछली बार 2022 सीजन में गुजरात और मुंबई आपस में भिड़ी थी तो अब मुंबई ने गुजरात को 5 रन से हराया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।
किसको गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल, रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी? जाने हरभजन सिंह ने किसे चुना। आईपीएल के इतिहास की दो सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और सीएसके की कमान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में है। हरभजन सिंह का इन दोनों टीमों और इन दोनों खिलाड़ियों से खास कनेक्शन रहा है। भज्जी लंबे समय तक मुंबई इंडियंस के लिए रोहित की कप्तानी में खेल चुके हैं और धोनी की कप्तानी में सीएसके के लिए तो खेले ही हैं, साथ ही इंडियंस क्रिकेट की टीम के लिए भी खेल चुके हैं। हरभजन सिंह से जब पूछा गया कि इन दोनों में से किसे गेंदबाजी करना सबसे ज्यादा मुश्किल, तो उन्होंने तुरंत ही रोहित शर्मा का नाम ले लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आईपीएल 2023 के खिलाफ मैच में अर्जुन ने भुवी को आउट कर अपने आईपीएल करियर का पहला विकेट लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस और क्रिकेट पंडित अर्जुन को बधाई देते हुए ट्वीट करते नजर आए। वहीं पंजाब किंग्स की टीम की ओर से प्रीति जिंटा ने भी अर्जुन को लेकर ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है। ट्वीट में प्रीति ने नेपोटिज्म की बात की है। प्रीति ने अपने ट्वीट में लिखा है, कई लोगों ने नेपोटिज्म के लिए उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज उन्होंने दिखाया कि अपनी जगह कैसे कमाई जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल। आईपीएल 2023 में मुकेश कुमार ने आखिरी 6 गेंद में पलटी बाजी। क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में। दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2023 में एक रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रनों से हरा दिया। 24 अप्रैल सोमवार को हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने एसआरएच को जीत के लिए 145 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन पूरे ओवर खेलने के बावजूद मेजबान टीम 7 विकेट पर 137 रन ही बना पाई। मुकाबले के आखिरी ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए 13 रन बनाने थे, लेकिन तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 5 रन ही दिए। दिल्ली कैपिटल्स की 7 मैचों में यह दूसरी जीत है और अब भी पॉइंट टेबल में आखिरी स्थान पर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कचरे से बनी ग्रीन जर्सी पहनेगी कोहली की टीम। आज बात करते हैं ग्रीन जर्सी के बारे में। इस मैच में बेंगलुरु टीम अपने घरेलू मैदान पर ग्रीन जर्सी पहनकर उतरेगी। इसमें खास बात यह है कि ये जर्सी स्टेडियम में मिले कचरे से बनाई गई है। कोहली की ये आरसीबी टीम हर साल घरेलू मैदान पर एक मैच ग्रीन जर्सी में जरूर खेलती है। ग्रीन जर्सी पहनकर हर साल एक घरेलू मैच खेलने की आरसीबी की ये परंपरा 2011 से चली आ रही है। ये आरसीबी की टीम स्वच्छ और इको फ्रेंडली की जागरूकता को लेकर हर साल ये ग्रीन जर्सी में मैच खेलती है। आरसीबी इस साल के अपने मिशन में साउथ बेंगलोर में 2 झीलों को भी बहाल करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोलकाता ने एमएस धोनी को दिया शानदार फेयरवेल। मैच के बाद माही की ये बातें कर देंगी इमोशनल। क्या है मामला जानते हैं इस पूरी वीडियो में। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच में 20 ओवर में 235 रन बनाए। सीएसके की ओर से इस मैच में शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन फैंस चाह रहे थे कि धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। धोनी की एक झलक पाने के लिए फैंस ने धोनी धोनी के नारे लगाने शुरू कर दिए। धोनी अमूमन इस सीजन 7वें या 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन फैंस के प्यार ने धोनी को मैदान पर आने के लिए मजबूर कर दिया। धोनी इस मैच में 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। ईडन गार्डन्स में धोनी को मिले इस प्यार ने साबित कर दिया कि उनके लिए फैंस के दिल में बहुत ही सम्मान है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। 7 साल बाद आईपीएल में हुई इस धाकड़ खिलाड़ी की वापसी। आईपीएल 2023 का 33वां मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला है। इस मैच में एक ऐसे खिलाड़ी को भी खेलने का मौका मिला जो 2 देशों के लिए वर्ल्ड कप खेल चुका है। इतना ही नहीं, इस खिलाड़ी ने 7 साल बाद आईपीएल में वापसी की। इससे पहले ये खिलाड़ी साल 2016 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का हिस्सा बना था। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ऑलराउंडर डेविड विसे को कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। नामीबिया के ऑलराउंडर डेविड विसे को 7 साल के बाद आईपीएल में खेलने का मौका मिला। हालांकि ये मैच डेविड विसे के लिए कुछ खास नहीं रहा। डेविड विसे ने इस मैच में 3 ओवर गेंदबाजी करते हुए 38 रन खर्च किए और बतौर बल्लेबाज 2 गेंदों पर 1 ही रन बना सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शाहरुख खान को ईदी देने उतरेगी कोलकाता की टीम। धोनी के धुरंधरों से है टक्कर। आईपीएल 2023 में 23 अप्रैल को डबल हेटर खेला गया।
यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ। बता दें कि कोलकाता की टीम के मालिक बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान हैं। वह अक्सर अपनी टीम को चीयर करने के लिए मैदान में मौजूद रहते हैं। इस बार भी फैंस को उम्मीद होगी कि वे शाहरुख खान को स्टेडियम में देख पाएंगे। इसी बीच केकेआर के धुरंधर भी यह मैच जीत कर शाहरुख खान को ईदी देना चाहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैक्सवेल डुप्लेसिस के कमाल से जीती आरसीबी, आखिरी ओवर में हारा राजस्थान। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल के एक रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल को 7 रनों से हरा दिया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 23 अप्रैल रविवार को हुए मुकाबले में आरसीबी ने राजस्थान को जीत के लिए 190 रन का टारगेट दिया था, लेकिन वह 20 ओवर्स खेलने के बावजूद 6 विकेट पर 182 रन ही बना सकी। आरसीबी की जीत के हीरो ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसिस रहे, जिन्होंने शानदार पारियां खेली। मैक्सवेल ने 77 और डुप्लेसिस ने 72 रनों का योगदान दिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की 7 मुकाबले में यह 4थी जीत रही और वह पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर आ गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आईपीएल 2023 के बीच बड़ी खुशखबरी, चोट से ठीक होकर 7 महीने बाद वापसी कर रहा है ये खिलाड़ी। आईपीएल 2023 की शुरुआत में पंजाब किंग्स की टीम को एक बड़ा झटका लगा था। पंजाब किंग्स की टीम का एक बड़ा मैच विनर खिलाड़ी चोट के चलते आईपीएल के इस सीजन से बाहर हो गया था। इसी बीच इस खिलाड़ी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यह खिलाड़ी 7 महीने के बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार है। यह खिलाड़ी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए वर्ल्ड क्रिकेट में जाना जाता है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के धाकड़ सलामी बल्लेबाज जॉनी बेस्टन चोट के चलते आईपीएल 2023 के सीजन से बाहर हो गए थे। पंजाब किंग्स ने पिछले साल हुए मेगा ऑक्शन पे उन पर 6.75 करोड़ की बड़ी राशि खर्च कर अपने खेमे में शामिल किया था। जॉनी बेस्टन पिछले साल सितंबर में गोल्फ कोर्स पर एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे और उनके पैर के निचले हिस्से में चोट लग गई थी। इसके चलते वह लंबे समय से क्रिकेट के मैदान से दूर रहे, लेकिन अब उनका वक्त आ गया क्रिकेट के मैदान पर लौटने का। राजस्थान रॉयल के एक दिग्गज पेसर ने आईपीएल में मौजूदा सीजन में गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ धमाल मचाया और पारी की पहले ही गेंद पर वह विकेट लिया। विकेट भी किसी अनजान से खिलाड़ी का नहीं बल्कि दुनिया के धाकड़ बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली का लिया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पूर्व चैंपियन राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल के कैप्टन संजू सैमसन ने टॉस जीता। उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया। उनके इस सही फैसले को पेसर ट्रेंट बोल ने शुरुआती ओवर में ही सही साबित भी कर दिया। उन्होंने शुरुआती गेंद पर ही विराट कोहली को शिकार बना लिया। जैसे ही विराट कोहली LBW आउट दिए गए, पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम में शांति छा गई। आरसीबी के फैंस चिंता में डूब गए थे और शोर जैसे थम सा गया। विराट कोहली गोल्डन डक होकर पवेलियन लौटे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात करेंगे आज LSG वर्सेस GT की। मोहित शर्मा ने पलट दी हारी हुई बाजी। 22 अप्रैल शनिवार को इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में लखनऊ को जीत के लिए 136 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन वह 7 विकेट पे 128 रन ही बना सकी। गुजरात की टीम के हीरो मोहित शर्मा रहे, जिन्होंने आखिरी ओवर में लखनऊ को 12 रन नहीं बनाने दिया। आपको बता दें कि मोहित शर्मा ने 4 साल के लंबे वक्त के बाद आईपीएल में वापसी की है। मोहित शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है और वह भारत के लिए भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। 34 साल के मोहित ने 26 वनडे और 8 T20 इंटरनेशनल मैच खेलकर कुल 37 विकेट छटकाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। रहाणे के बाद CSK के गेंदबाजों का धमाल। चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2023 के एक ब्लॉकबस्टर मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रनों से हरा दिया। 23 अप्रैल रविवार को ईडन गार्डन में खेले गए मुकाबले में CSK ने कोलकाता को जीत के लिए 236 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए मेजबान टीम 8 विकेट पर 186 रन ही बना सकी। चेन्नई के जीत में अजिंक्य रहाणे का अहम रोल रहा, जिन्होंने नाबाद 71 रनों की पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग की यह 7 मैचों में यह 5वीं जीत रही और वह पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर आ गई है। राजस्थान रॉयल्स दूसरे और लखनऊ सुपर जॉइंट की टीम तीसरे नंबर पर फिसल गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स की यह 5वीं हार रही और वह 8वें नंबर पर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बीच मैदान पर अंपायर से भिड़ गए अश्विन, एक फैसले से खड़ा हुआ विवाद। क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में।
आरसीबी की पारी के दौरान 13वें ओवर के लिए संजू ने गेंद ऑफ स्पिनर रविशंद्र अश्विन को थमाई। ओवर की तीसरी गेंद पर ही ये वाकया हुआ। ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे थे, इस गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया और एक रन मैक्सवेल ने दौड़कर भी पूरा किया। अश्विन बस इतने पर ही हैरान हो गए, उन्हें लगा कि गेंद वाइड नहीं थी और मैक्सवेल के पैड से फ्लिक हुई। अश्विन फिर इसी को लेकर अंपायर से बहस करने लगे। इस गेंद पर मैक्सवेल ने स्विप शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन चूक गए। विकेट के पीछे खड़े सैमसंग भी इसे पकड़ नहीं पाए। अश्विन ने सैमसंग को वाइड की जांच के लिए रिव्यू के लिए जाने के लिए मनाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आईपीएल 2023 में लड़कर हारी मुंबई इंडियंस। आखिरी ओवर में पंजाब की जीत के हीरो बने अर्शदीप। पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2023 के एक रोमांचक मुकाबले में 13 रनों से मात दे दी। 22 अप्रैल शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई को जीत के लिए 215 रन की जरूरत थी लेकिन वह 6 विकेट पर 201 रन ही बना सके। पंजाब के जीत के हीरो तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह रहे जिन्होंने मुंबई को आखिरी ओवर में जीत के लिए जरूरी 16 रन नहीं बनाने दिया। मैच के आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर टीम डेविड ने एक रन लिया, दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने कोई रन नहीं बनाया। वहीं अगली बॉल पर वह बोल्ड हो गए। अर्शदीप ने फिर निहाल वाड्रा को भी शिकार बनाया। अब आखिरी दो गेंदों पर मुंबई इंडियंस को 15 रन बनाने थे जो असंभव था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। 41 साल के धोनी ने रच दिया इतिहास। आईपीएल में ऐसा करने वाले बने 5वें भारतीय बल्लेबाज। क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में। धोनी इस सीजन के बाद आईपीएल से रिटायरमेंट ले लेंगे। ऐसे में एमएस धोनी के फैंस इस सीजन में सीएसके के सभी मैचों में उन्हें खेलता हुआ देखना चाहते हैं। इस बीच लखनऊ सुपर जॉइंट के खिलाफ खेले गए मैच में एमएस धोनी ने एक बड़ा कारनामा अपने नाम किया है। चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जॉइंट के बीच चेन्नई चेपक स्टेडियम में आईपीएल 2023 का 6ठा मुकाबला खेला गया। इस मैच में चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी ने 3 गेंद खेली लेकिन इस दौरान उनके बल्ले से 2 विस्फोट छक्के देखने को मिले। उन्होंने 3 गेंदों पर 12 रनों की पारी खेली। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 8 रन बनाते ही आईपीएल में अपने 5000 रन भी पूरे कर लिए। यह उपलब्धि हासिल करने वाले धोनी ओवरऑल 7वें बैटर बन गए हैं। वहीं आईपीएल में 5000 रन का आंकड़ा छूने वाले वह 5वें भारतीय बल्लेबाज बने। दिल्ली कैपिटल का समय मैदान पर भी बहुत बुरा चल रहा है और मैदान के बाहर भी इस टीम का गिरा शांत नहीं है। मैदान पर एक तरफ तो हाल ये है कि दिल्ली कैपिटल्स खेले सभी 5 मैच गंवाकर पॉइंट टेबल में फिसड्डी बनी हुई है। इस हिसाब से उसका प्ले ऑफ राउंड में जगह बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चला है। तो वहीं इस टीम के लिए यह रहा कि बेंगलोर से दिल्ली आते समय खिलाड़ियों के दर्जनों से भी ज्यादा बल्ले और बाकी सामान चोरी हो गए, जिसमें युवा यश धूल के 5 बल्ले चोरी हुए, डेविड वार्नर के 3 तो मार्श के 2 बल्ले। प्रदर्शन खराब तो फैंस भी ले रहे हैं मजे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आईपीएल के इस दौर में किसी की नसीब ने उनका साथ दिया तो किसी की नसीब ने उनसे पीछा छुड़ा लिया। आज बात करेंगे पृथ्वी शाह की। पृथ्वी शाह का आईपीएल में फ्लॉप शो जारी है। आईपीएल के 6 मैच खेले और उनके बल्ले से निकले हैं 47 रन। 20 अप्रैल को केकेआर के खिलाफ भी पृथ्वी शाह भी 13 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए हैं। ऐसे में पृथ्वी के इस प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर यूजर ने भी उनके प्रदर्शन पर सवाल उठा दिया है। आईपीएल में हेड कोच रिकी पेंटिंग ने भी उम्मीद जताई थी कि वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे लेकिन शाह उनकी उम्मीद पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। विराट कोहली के नाम हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड। क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में। आईपीएल 2023 को रविवार 23 अप्रैल को हुए आरसीबी और राजस्थान रॉयल के बीच मैच कांटे की टक्कर हुई। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी विराट कोहली ने की। पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने इस मैच में खाता भी नहीं खोल सके। इसके साथ ही उन्होंने अपने नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड कर लिया। राजस्थान रॉयल के खिलाफ खेले गए इस मैच में कोहली पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। इसी के साथ वह आईपीएल में 10वीं बार 0 पर आउट हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। विराट कोहली ने रिकॉर्ड 9वीं बार की शतकीय साझेदारी। आईपीएल इतिहास में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। विराट कोहली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 47 गेंद पर 5 चौके और एक छक्के की मदद से 59 रन की पारी खेली। इसके साथ ही एक और रिकॉर्ड उनके नाम हो गया। वह आईपीएल इतिहास में 100वें पारियों में 30 से ज्यादा का स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।
इसके अलावा फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली की जोड़ी के नाम आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन बनने का रिकॉर्ड हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शतक वीर से सीधा शून्य वीर बने वेंकटेश अय्यर, क्या है मामला जानते हैं इस वीडियो में। खेल के मैदान पर खिलाड़ी की किस्मत कब धोखा दे जाए कोई अनुमान नहीं लगा सकता। पिछले मैच में अच्छी लय में नजर आ रहे प्लेयर अगले मैच में फ्लॉप हो सकता है। ऐसा ही कुछ कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर के साथ हुआ। वह शतक वीर से सीधा अगले मुकाबले में शून्य वीर बन गए। वेंकटेश ने 16 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 51 गेंद में 6 चौके और 9 छक्के की मदद से 104 रन की शतकीय पारी खेली थी। लेकिन वह जब गुरुवार 20 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध मैदान पर उतरे तो शून्य पर आउट हो गए। उन्होंने केवल 2 ही गेंद खेली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। विराट कोहली ने कैच ड्रॉप करके बढ़ाई थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की मुश्किलें। 17वें ओवर में जितेश शर्मा को मिला था जीवन दान। यह घटना मैच के आखिरी चरण में हुई जब एक समय लग रहा था कि पंजाब किंग्स की टीम मैच में वापसी कर सकती है। पंजाब किंग्स ने ओवर में ही 106 के स्कोर पर ही 7 विकेट गंवा दिए थे। 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। वह फुलटास गेंद को हवा में मार बैठे। लॉन्ग आर्म पर खड़े कोहली गेंद पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन इस दौरान से उन्होंने देखा कि मिड विकेट से सुरेश प्रभुदेसाई भी कैच पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और इसी समय कोहली ने इशारे में ही उन्हें रोकने के लिए कहा। हालांकि जब तक वह समझ पाते दोनों खिलाड़ी गेंद के काफी करीब पहुंच गए थे। हालांकि कोहली ने कैच पकड़ने की कोशिश की और गेंद उनके हाथ में जाने के बाद छिटक गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को 24 रन से हराया। सिराज ने झटके 4 विकेट, क्या है मामला जानते हैं इस पूरी वीडियो में। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2023 में अपनी तीसरी जीत दर्ज की है। मोहाली में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 174 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब की टीम 150 रन ही बना सकी और 24 रन से मैच हार गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आईपीएल से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मुंबई इंडियंस की पारी का 12वां ओवर फेंकने मार्को जॉनसन आए थे। जॉनसन ने ओवर की 5वीं गेंद ऑफ स्टंप पर डाली। यह धीमी गेंद थी जिस पर सूर्य कुमार यादव कच्चा खा गए और उन्होंने कवर की दिशा में हवा में शॉट खेला। कवर की दिशा में फील्डिंग कर रहे मार्क रैम ने अपनी बाएं दिशा में हवा में डाई लगाई और एक शानदार कैच लपका। मार्क रैम का यह कैच काफी शानदार था और जिसने भी यह कैच देखा वो हैरान रह गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ईशांत शर्मा को 717 दिन बाद खेलने का मिला मौका। कोलकाता के खिलाफ किया दमदार प्रदर्शन। आईपीएल 2023 में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को मौका मिला। मुस्तफिजुर रहमान की जगह टीम ने शामिल किया। 717 दिन बाद लीग में खेलने को मिले मौके को उन्होंने दोनों हाथों से लपका। 4 ओवर में इस गेंदबाज ने 19 रन देकर 2 विकेट झटके। उन्होंने कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा और सुनील नारायण का विकेट झटका। राणा ने 4 और नरेन ने भी 4 रन बनाए। ईशांत शर्मा ने इससे पहले आईपीएल में 2 मई 2021 को पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी मैच खेला था। वहीं आईपीएल 2022 में उनको मौका ही नहीं मिला था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का रोमांच लगातार जारी है और अब टूर्नामेंट का मिडल फेज शुरू हो गया है। पिछले सीजन की तरह अब की बार भी आईपीएल में रनों की बरसात हो ही रही है, साथ ही साथ फैंस को रोमांचक मैच भी देखने को मिल रहे हैं। इस बीच रविवार 16 अप्रैल को एक और डबल हेडर देखने को मिला। हालांकि रविवार को हुए कोलकाता और मुंबई का मैच कई अन्य वजहों से चर्चों में भी रहा। यहां एक ही मैच में कुछ खिलाड़ियों का लाखों का नुकसान हो गया। वानखेड़े स्टेडियम में हुई मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स पर 5 विकेट से जीत दर्ज की।
लेकिन ये मैच तीन खिलाड़ियों के लिए भारी पड़ गया। इस मुकाबले में मुंबई की कप्तानी करने वाले सूर्य कुमार यादव, केकेआर के कप्तान नीतीश राणा और मुंबई के ही ऋतिक शौकीन पर मैच के बाद भारी जुर्माना लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात करेंगे दिल्ली कैपिटल के बीच टूर्नामेंट में करेगी बड़ा बदलाव। आईपीएल 2023 भारत के घरेलू बल्लेबाजों के लाचार प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली कैपिटल ने बुधवार को अभिमन्यु ईश्वर और प्रियम गार्ग को ट्रायल्स के लिए बुलाया। इन दोनों खिलाड़ियों ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं खेला है। दिल्ली कैपिटल की टीम में शामिल भारतीय बल्लेबाज अभी तक नहीं चल पाए हैं। पृथ्वी शाह, यश धूल और ललित यादव की खराब फॉर्म को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स के प्रबंध को उन खिलाड़ियों को भी बुलाना पड़ रहा है जिन्हें टेस्ट क्रिकेट का विशेषज्ञ माना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अर्जुन का पहला आईपीएल विकेट बार बार हाईलाइट देख रही हैं उनकी बहन सारा तेंदुलकर, रिएक्शन वायरल हुआ। आईपीएल 2023 में अर्जुन तेंदुलकर ने आखिरकार अपना पहला आईपीएल विकेट झटक लिया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में अर्जुन ने भुवनेश्वर कुमार को आउट कर अपना पहला विकेट हासिल किया। जूनियर तेंदुलकर ने अपने आखिरी ओवर में सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर हैदराबाद के खिलाफ मुंबई को 14 रनों से जीत दिला दी है। अर्जुन की गेंदबाजी देखकर पूर्व क्रिकेटरों ने इस पर रिएक्ट किया है। वहीं अर्जुन तेंदुलकर की बहन सारा तेंदुलकर ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान केएल राहुल की बल्लेबाजी की काफी आलोचना हो रही है। इसका कारण धीमी स्ट्राइक रेट है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी हालत कुछ ऐसा ही रहा। राहुल पावर प्ले में भी काफी धीमे बल्लेबाजी करते हैं। इसके कारण इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने ओपनर बल्लेबाज पर बड़ी टिप्पणी की है। इसके साथ ही 14 गेंद पर सबसे तेज अर्धशतक जड़कर इतिहास रचने वाले राहुल के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड हो गया है। आईपीएल 2014 से पहले ओवर 27 बार मेडन रहा और राहुल ने इनमें से 11 ओवर का सामना किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैदान पर विराट कोहली की इस हरकत से क्रिकेट जगत में मचा तूफान। आईपीएल 2023 के मैच में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर को 8 रन से मात दी थी। इस मैच के दौरान आरसीबी के स्टार क्रिकेट विराट कोहली ने मैदान पर ऐसी हरकत कर दी जिसने क्रिकेट जगत में तूफान मचा कर रख दिया। इस घटना के बाद आरसीबी के स्टार क्रिकेट विराट कोहली पर बीसीसीआई ने तुरंत तगड़ा एक्शन ले लिया है। आरसीबी के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी के 17वें ओवर में जब तीसरी गेंद पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के तेज गेंदबाज विन पार्नेल शिवम दुबे को आउट किया तो मैदान पर फील्डिंग कर रहे आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आपा खो दिया और उन्होंने सेलिब्रेशन करते हुए कुछ अब्ध शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे बीसीसीआई ने उन पर तगड़ा एक्शन लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। केएल राहुल की लखनऊ ने रोका राजस्थान का विजय अभियान। 20 ओवर में 155 रन नहीं बना पाई संजू सैमसंग की टीम। आईपीएल 2023 के 26वें मुकाबले में बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। जयपुर के स्वाई मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कई मेयर्स के अर्धशतक की मदद से 7 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 144 रन बनाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आईपीएल के 15 साल 975 मैच में 300,000 से ज्यादा रन बने, 77 शतक और 1474 अर्धशतक लगे। आईपीएल को शुरू हुए 18 अप्रैल 2023 को 15 साल हो गया। साल 2008 में 18 अप्रैल को ही बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल का पहला मैच खेला गया था। वह मुकाबला शाहरुख खान के साथ मालिकाना हक वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला गया था। उस मैच में केकेआर ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 222 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। आरसीबी की पूरी टीम 15 ओवर में महज 82 रन पर ढेर हो गई थी। तब से अब तक आईपीएल में 975 मुकाबले हो चुके हैं। इस दौरान 300,000 से ज्यादा रन बन चुके हैं जबकि 77 शतक और 1474 अर्धशतक लगे हैं। इसके अलावा और भी कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अर्जुन तेंदुलकर ने 14 साल बाद लिया बदला, रणजी में सचिन को डक देने वाले बॉलर को किया आउट। अर्जुन तेंदुलकर ने मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में आईपीएल करियर का पहला विकेट लिया। आईपीएल में पहला विकेट लेने के बाद अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें गले से लगा लिया। मैच का आनंद ले रहे अर्जुन के पिता सचिन तेंदुलकर के चेहरे पर खुशी भी साफ साफ झलक रही थी। इन सबके बीच एक ऐसा दिलचस्प आंकड़ा भी सामने आया जिसको देखकर सचिन और अर्जुन तेंदुलकर के फैंस से हैरान तो हुए ही साथ ही इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल अर्जुन ने आईपीएल में पहला विकेट झटकने के साथ साथ 14 साल पुरानी कहानी दोहराई है और अपने पिता सचिन तेंदुलकर का बदला भी ले लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। राजस्थान रॉयल के स्टार ओपनर जोस बाल्टर ने लखनऊ सुपर जॉइंट के खिलाफ मैच में दूसरा सबसे लंबा छक्का लगाया। लखनऊ सुपर जॉइंट के कप्तान केएल राहुल ने पारी का चौथा ओवर करने के लिए युद्धवीर सिंह चरक को गेंद थमाई। यशवी जायसवाल ने युद्धवीर की पहली गेंद पर चौका लगाया, दूसरी गेंद डार्ट रही। तीसरी गेंद पर यशवी जायसवाल ने एक रन लेकर स्ट्राइक जोस बाटलर को दी। उसके बाद युद्धवीर सिंह के चरक की यह गेंद मिडल स्टंप पर फ्लर थी और जोस बाटलर ने डीप मेडी विकेट की दिशा में स्लॉग कर गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुँचा दिया। जोस बाटलर का यह छक्का 112 मीटर लंबा था। यह टूर्नामेंट का दूसरा सबसे लंबा छक्का माना गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आईपीएल 2023 के शेड्यूल में हुआ बड़ा बदलाव, एलएसजी वर्सेस सीएसके के मैच से पहले लिया गया बड़ा फैसला। आईपीएल 2023 में फैंस को एक से बढ़कर एक टक्कर देखने को मिल रही है। आईपीएल 2023 में 4 मई को लखनऊ सुपर जॉइंट और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले जाने वाले मैच के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। आईपीएल 2023 का 46वां लीग मैच मेजबान लखनऊ सुपर जॉइंट्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला 4 मई को दोपहर 3:30 बजे से खेला जाना था, लेकिन उसी दिन लखनऊ में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में ये मुकाबला अब 4 की जगह 3 मई को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने खास तौर पर टीमों को बता दिया है कि मैच एक दिन पहले होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिनेश कार्तिक आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले बल्लेबाज बने। आरसीबी के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का इस सीजन में बतौर बैट्समैन इस सीजन में अब तक काफी खराब प्रदर्शन रहा। दिनेश कार्तिक को अब तक हुए मैचों में कई बार बेहतरीन मौके मिले और उन्हें बल्लेबाजी में भी प्रमोट किया गया, लेकिन वो रन जुटाने में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में वे 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन अपना खाता खोले बिना ही शून्य गोल्डन डक पर आउट हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आईपीएल 2023 पॉइंट टेबल में वार्नर की दिल्ली बेदम, इस टीम का दिखा आईपीएल में भौकाल, देखेंगे पॉइंट टेबल। आईपीएल 2023 में अब तक सभी टीमें 5 मैच तो खेल ही चुकी है, ऐसे में कुछ टीमें मजबूत स्थिति में दिख रही है, वहीं कई टीमों की हालत बेहद खराब दिख रही है। कुछ टीमें ऐसी भी हैं जो खराब शुरुआत के बाद अब मजबूती से आईपीएल में आगे बढ़ रही हैं। आईपीएल में यदि कोई टीम अपना एक मैच जीतती है तो उसे 2 पॉइंट मिलते हैं। आईपीएल की टॉपर टीम फिलहाल तो राजस्थान रॉयल्स है। राजस्थान इस समय 8 पॉइंट के साथ ग्रुप की धाकड़ टीम बनी हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज बात करते हैं टॉप थ्रिलर मैचेस के बारे में। आईपीएल के सफर में कई मुकाबले लास्ट ओवर तक खींचे हैं। इन मुकाबलों में रोमांचक चरम पर दिखा है। इन मैचों से कई हीरो भी निकले हैं। आईपीएल के धाकड़ हीरो की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी टीम को लास्ट ओवर में जीत दिलाई है। आईपीएल 2023 में पिछले मैचों में सांस रोक देने वाला रोमांच फिर से लौटा है। इस रोमांचक मैचों की वजह से कई नए आईपीएल हीरो भी सामने आए हैं, जैसे रिंकू सिंह। रिंकू सिंह तो आखिरी ओवर में 5 गेंद पर 5 छक्के वाली पारी खेलकर सबसे बड़े रॉकस्टार बन चुके हैं। रिंकू सिंह के अलावा गुजरात टाइटंस के राहुल तेवतिया ने भी दिखाया है कि वो फिनिशर के रोल में फिट क्यों बैठते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे।
बात करेंगे आज आरसीबी वर्सेस सीएसके। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को आईपीएल 2023 के एक रोमांचक मैच में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ 8 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। 17 अप्रैल सोमवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए मैच में सीएसके ने आरसीबी को जीत के लिए 227 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन वह ग्लेन मैक्सवेल और डुप्लेसिस की तूफानी पारियों के बावजूद टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। ग्लेन मैक्सवेल ने 76 और डुप्लेसिस ने 72 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग की टीम पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर आ गई है। सीएसके ने 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं और उसे 2 मैचों में हार मिली है। आरसीबी 5 में से 2 मैच जीतकर 7वें नंबर पर कायम है। पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर राजस्थान रॉयल्स है, जिसने 5 में से 4 मुकाबले में जीत हासिल की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आईपीएल 2023 में सीएसके वर्सेस आरसीबी के मैच में अंपायर ने कर दिया कुछ ऐसा, मैदान पर मौजूद खिलाड़ी भी रह गए दंग। क्या है मामला, जानते हैं इस वीडियो में। आईपीएल 2023 के 24वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के बीच बेहद ही रोमांचक मैच देखने को मिला। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में छक्कों की तो मानो बरसात सी हो गई। गेंदबाजों की इस मैच में जमकर धुनाई हुई। चेन्नई की बल्लेबाजी के दौरान अंपायर एक ऐसा फैसला सुना दिया कि कुछ देर के लिए खिलाड़ी भी दंग रह गए। दरअसल चेन्नई की बल्लेबाजी के दौरान हर्ष पटेल पारी का आखिरी ओवर डालने आए थे। उन्होंने बल्लेबाजी कर रविंद्र जडेजा को पहली गेंद डाली, जिस पर जडेजा ने एक रन लिया। इसके बाद हर्ष ने दूसरी गेंद मोइन अली को फेंकी, जो कमर के ऊपर थी। अगली गेंद लेकर आए हर्ष पटेल ने फिर से कमर के ऊपर गेंद फेंक दी, जिसके बाद अंपायर ने फिर से नो बॉल करार दे दी। इसके बाद अंपायर ने उन्हें गेंदबाजी करने से रोक दी। हैदराबाद और मुंबई के बीच मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता। 18 अप्रैल 2023 मंगलवार को आईपीएल में एक मैच खेला गया, जो सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में था। इस मैच में हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम और मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा थे। हैदराबाद और मुंबई के बीच मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसके बाद बैटिंग करने उतरी मुंबई की टीम। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए, जिसमें कैमरॉन ग्रीन ने 40 गेंदों में नाबाद 64 रन की पारी खेली। इसके बाद बैटिंग करने उतरी हैदराबाद की टीम ने मैच को जीतने की पूरी कोशिश की, जिसमें टीम ने 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा रन मयंक अग्रवाल ने बनाए, जिन्होंने 41 गेंदों में 48 रन की पारी खेली। आज बात करेंगे एमएस धोनी के फैन फॉलोइंग के बारे में। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पसंद करने वाले देश के हर कोने में, चेन्नई हो या बेंगलुरु या राजस्थान, देश के हर कोने में माही को पसंद करने वालों की बड़ी तादाद है। आईपीएल में खास तौर पर धोनी को लेकर दीवानगी साफ नजर आती है। धोनी की एक झलक देखने के लिए उनके ऐसे ही एक फैन ने अपनी बाइक बेच दी। चेन्नई सुपर किंग्स सोमवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच खेलने उतरी। हजारों की संख्या में फैंस अपनी पसंदीदा टीम को चीयर करने पहुंचे थे। एक ऐसा ही फैन था जो कि सीएसके की जर्सी में मैच देखने पहुंचा था। इस फैन ने अपने हाथ में प्ले बोर्ड पकड़ा हुआ था, जिस पर धोनी को लेकर उनकी दीवानगी का फलसफा लिखा था। फैन के हाथ में जो कार्ड था उस पर लिखा था, मैं अपनी बाइक बेचकर बस धोनी को देखने आया हूँ, वो भी सीधे गांव से। कैप्टन विराट कोहली, ये लाइन सुन के आज भी गूसबम्स आ जाते हैं। जी नहीं, आपने कोई टाइम ट्रेवल नहीं किया है और ना ही ये कोई फेक न्यूज है। बात इतनी सी है कि फैफ डुप्लेसिस को एक इंजरी हो गई थी, जिससे वो अभी भी जूझ रहे थे और इसीलिए विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान घोषित किया गया। उनका वो एग्रेशन और जिस तरह से वो टीम को लीड कर रहे थे, वो सब देख के हर बेंगलोर के फैंस के मन में एक बात जरूर आई होगी कि वो काश आज भी कप्तान होते। विराट कोहली सिर्फ वही नहीं रुके, उन्होंने उस मैच में 50 रन भी बनाए और 6,500 रन कंप्लीट किए एज अ कैप्टन। आपको विराट कोहली को कप्तान देखकर कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और ऐसी ही न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमें कर लीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए आईपीएल मसाला। आईपीएल 2023 गुजरात टाइटंस ने अपनी शुरुआती 4 मैचों से 3 मुकाबले जीत लिए हैं। चौथा मैच गुरुवार 14 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच के दौरान गुजरात टीम के कप्तान हार्दिक पांडे ने एक बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है।
दरअसल गुजरात टीम ने इस मैच में निर्धारित समय में पूरे 20 ओवर नहीं करा पाई थी। ऐसे में उस पर स्लो ओवर रेट के तहत जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि इस आईपीएल सीजन में गुजरात टीम ने स्लो ओवर रेट वाली पहली गलती की है। ऐसे में कप्तान पांडे पर ही 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, यानी अब पांडे को ये राशि चुकानी पड़ेगी। यदि गुजरात टीम दोबारा ये गलती करती है तो टीम के सभी खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस एमआई, कप्तान रोहित शर्मा ने रचा इतिहास। आईपीएल में ऐसा कारनामा करने वाले बने चौथे खिलाड़ी रोहित शर्मा। आईपीएल 2023 का 25वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत में ही आईपीएल का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस मैच में पहले रोहित शर्मा के नाम आईपीएल में कुल 5,986 रन दर्ज थे। रोहित शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले जा रहे मैच में 14 रन बनाते ही आईपीएल करियर में अपने 6,000 रन पूरे कर लिए। वह आईपीएल में ऐसे करने वाले भारत के तीसरे और दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा से पहले ये कारनामा आईपीएल में सिर्फ विराट कोहली, शिखर धवन और डेविड वार्नर ने ही किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कहा जाता है कि अगर आईपीएल में गुस्से को काबू न किया तो क्या से क्या हो जाता है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2023 का 22वां मुकाबला खेला जा रहा है। इडन गार्डन में खेले जा रहे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर के शानदार शतक की बदौलत मजबूत स्थिति में पहुंच गया। हालांकि दूसरी ओर से कोलकाता के विकेट गिरते रहे। इस बीच नीतीश राणा और ऋतिक शौकीन के बीच अनबन हो गई थी, जिसके कारण दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से बहस करते हुए भी नजर आए। कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के 9वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान नीतीश राणा आउट हो गए। रामदीप द्वारा कैच लेने के बाद राणा पवेलियन की तरफ लौट ही रहे थे कि शौकीन ने राणा से कुछ कहा और इस पर राणा भी उनको कुछ कहते हुए नजर आए। इस बीच राणा बीच में रुके भी और वापस शौकीन के पास जाने लगे, लेकिन सूर्य कुमार ने आकर मामले को शांत कराया। वेंकटेश अय्यर का तूफानी शतक हुआ बेकार। आज बात करेंगे मुंबई वर्सेस केकेआर के बारे में। आईपीएल 2023 के 22वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया है। 16 अप्रैल रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 186 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने आसानी से हासिल कर लिया। मुंबई इंडियंस की जीत के हीरो ईशान किशन 58 और सूर्य कुमार यादव 43 रन पर रहे। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए शानदार पारियां खेली। देखा जाए तो ईशान किशन और सूर्य कुमार की पारी कोलकाता वेंकटेश अय्यर की इनिंग्स पर भारी पड़ गई। अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में मुंबई 8वें और कोलकाता की टीम 5वें नंबर पर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आईपीएल से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आईपीएल 2023 में ईशान और सूर्य के तूफान में उड़ी केकेआर, क्या है मसला, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करेंगे आज एमआई वर्सेस केकेआर की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई को जीत के लिए 186 रन का लक्ष्य दिया था। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वेंकटेश अय्यर ने 51 गेंदों पर 104 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 9 छक्के शामिल रहे। इसके अलावा आंद्र रसल ने नाबाद 21 रन और रिंकू ने 18 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2023 में अपनी दूसरी जीत हासिल की है। 16 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया है। मुंबई के लिए ईशान किशन ने 58 और सूर्य ने 43 रन की पारी खेली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। बात करेंगे सीएसके आईपीएल कैप्टनशिप की। धोनी हुए बाहर तो कौन बनेगा कैप्टन? एमएस धोनी रिप्लेसमेंट सीएसके कप्तान आईपीएल 2023 में चेन्नई की टीम चोटीले प्लेयर्सों को लेकर भंवर में फंस गई है। कप्तान धोनी इंजर्ड है, ऐसे में सवाल है कि अगर धोनी आरसीबी के खिलाफ अगले मैच के लिए ठीक नहीं हुए तो टीम की कमान कौन संभालेगा। यहाँ पे एक बड़ा सवाल आ गया है। सीएसके में मोइन अली, अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने T20 की कप्तानी का अनुभव है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।
आईपीएल 2023 के 18वें मैच में पंजाब किंग्स की टक्कर गुजरात टाइटंस के साथ होनी है। इससे पहले ही पंजाब की टीम को गुड न्यूज मिल गई है। इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज लिविंगस्टोन की गुजरात के खिलाफ होने वाले बड़े मैच से पहले पंजाब टीम में एंट्री हो गई है। लिविंगस्टोन की गिनती इस फॉर्मेट में सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में की जाती है और उनका यही विकराल रूप गुजरात के खिलाफ भी देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। हर बार कोई टीम एक अलग परफॉर्मेंस करके आती है, क्या है आज की बात बताएंगे इस वीडियो में। इंडियन प्रीमियर लीग के 2023 के 21वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुआ। इस मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। केएल राहुल की अर्धशतक की मदद से लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 161 रन बनाए। पंजाब की टीम को जीत के लिए 160 रन बनाने थे और इस टीम ने 19.3 ओवर में 8 विकेट पर 161 रन बनाकर मैच में 2 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ पंजाब के 6 अंक हो गए हैं और वो पॉइंट टेबल में 14 नंबर पर आ गई है। तो वहीं लखनऊ के भी हार के बाद इतने ही अंक हैं, लेकिन अब वो हटकर दूसरे पायदान पर आ गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आईपीएल से रिलेटेड आप तक सबसे पहले पहुंचे। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2023 में अपनी दूसरी जीत हासिल की है। 14 अप्रैल शुक्रवार को हुए मुकाबले में उसने कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रनों से हरा दिया है। सनराइजर्स ने कोलकाता को जीत के लिए 229 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन वह पूरे 20 ओवर्स खेलने के बावजूद 7 विकेट्स पर 205 रन ही बना सके। कोलकाता के लिए रिंकू सिंह ने 31 गेंदों पर नाबाद 58 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और इतने ही चौके शामिल रहे। हालांकि इस बार वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। इस जीत के बाद सनराइजर्स की टीम पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर आ गई है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 4थे नंबर पर कायम है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गौतम गंभीर हो या नितेश राणा, एक बात कभी नहीं बदलती, कोलकाता के कप्तान और उनके एग्रेशन दिखाने की आदत। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुंबई वर्सेस कोलकाता के मैच में जब ऋतिक के गेंद पे नितेश राणा ने अपना विकेट खोया, शायद उनके सेंड ऑफ से वो ज्यादा खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने भी 4 बातें सुना दी। बात यहाँ तक बढ़ गई कि मुंबई के खिलाड़ियों को इन्हें रोकने आना पड़ा। कुछ भी बोलो, पर ये जो आईपीएल की प्लेयर्स बैटल्स होती हैं, उन्हें देखने में हम फैंस को तो बड़ा मजा आता है। क्या लगता है अगले मैच में क्या नितेश राणा अपना बदला ले पाएंगे? अपने थॉट्स बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और ऐसी ही न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमें कर लीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए आईपीएल मसाला। आज बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद की। आखिरी ओवर थे केकेआर के रिंकू सिंह क्रीज पर थे। सभी उम्मीद कर रहे थे कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी रिंकू सिंह मैच को पलट देंगे। पूरी ताकत लगाकर रिंकू सिंह कोलकाता के ऐतिहासिक किडरसन गार्डन में खेले। कई लोगों के दिल में उम्मीद थी कि अलीगढ़ का यह लड़का फिर से वो कारनामा कर दिखाएगा जो उसने गुजरात टाइटंस के खिलाफ किया था। रिंकू डट कर खेले। नितेश राणा के साथ मिलकर उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के परछक्के लगभग उड़ा ही दिए थे, पर आखिरी ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद के उमरान मलिक ने प्रेशर झेल लिया। हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रनों से हरा दिया। केकेआर के सामने आखिरी ओवर में 32 रन की पहाड़ जैसी चुनौती थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज बात करेंगे आईपीएल 2023 में दिल्ली का अब तक का प्रदर्शन। दिल्ली की टीम इस साल आईपीएल में कुछ खास ना कर सकी। पहले उनके कप्तान और स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत इंजरी के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। वहीं इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी है। दिल्ली कैपिटल ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला है और उन सभी से 50 रन, 6 विकेट और 57 रन से हार गई है। दिल्ली की टीम इस मैच में वापसी करना चाहेगी। वहीं इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम यश धूल से कुछ कमाल की उम्मीद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आईपीएल से जुड़ी हुई नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात करेंगे मुंबई किन खिलाड़ियों के दम पर मैच जीतती है। आईपीएल 2023 का 16वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई ने दिल्ली को 6 विकेट से हरा दिया।
इस मैच में मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल ने मुंबई को जीतने के लिए 173 रनों का टारगेट दिया, जिसे मुंबई ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई के लिए दो स्टार खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया। मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन ने शानदार शुरुआत की। रोहित शर्मा ने 45 गेंदों पर 65 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल थे। कैमरून ग्रीन और टिम डेविड ने मिलकर मुंबई को आखिरी ओवर में जीत दिला दी। मुंबई इंडियंस के लिए कप्तान रोहित शर्मा, पीयूष चौहान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और ये खिलाड़ी मुंबई के लिए सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आईपीएल से जुड़ी हुई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आईपीएल 2023 में केकेआर की टीम में एक बड़ा बदलाव। क्या है बदलाव, बताएंगे इस वीडियो में। आईपीएल 2023 के 13वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच खेला गया था। इस मैच में रिंकू सिंह की ऐतिहासिक पारी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत दर्ज की थी। इसी बीच कोलकाता की टीम के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक धाकड़ बल्लेबाज आईपीएल 2023 के बीच कोलकाता की टीम में शामिल हो गया है। ये खिलाड़ी क्रिकेट जगत में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश के विस्फोटक बल्लेबाज लेटन दास आईपीएल 2023 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में शामिल हो गए। लेटन दास हाल ही में बांग्लादेश के लिए खेल रहे थे, जिसके चलते वह शुरुआती मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा नहीं थे। लेटन दास के भारत पहुंचने की जानकारी कोलकाता नाइट राइडर्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंसों को दी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर एक टीम का हर एक दिन अपना एक नया अंदाज होता है, उसी अंदाज को आज हम बताएंगे आपको। लखनऊ सुपर जॉइंट ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 1 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में 3री जीत हासिल कर ली है। इस जीत के साथ ही यह टीम पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पर पहुंच गई है। लखनऊ सुपर जॉइंट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 2 विकेट पर 212 रन बनाए थे। इसके जवाब में लखनऊ ने 9 विकेट खोकर 213 रन बनाए और मैच जीत लिया। इस मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। वहीं लखनऊ के लिए मार्क वुड और अमित मिश्रा ने 1-1 विकेट लिए। इसके जवाब में लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब थी। 23 रन पर टीम के 3 विकेट गिर गए थे। इसके बाद मार्क्स ने 30 गेंद में 65 रन की पारी खेली। आखिरी ओवर में बल्लेबाजों ने लखनऊ को जीत दिलाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आईपीएल में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। आईपीएल के इस दौर में कोई किसी से कम नहीं है। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 16 दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस थ्रिलर मैच का नतीजा आखिरी गेंद पर निकला। मैच को मुंबई ने 6 विकेट से जीता। आखिरी 2 ओवरों में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी, लेकिन मुंबई ने इसे टिम डेविड और कैमरून ग्रीन की बदौलत हासिल कर लिया। दिल्ली के टूर्नामेंट में यह लगातार 4थी हार है। दिल्ली पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर है। वहीं मुंबई की 3 मैचों में पहली जीत रही, किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थे। मुंबई को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। आईपीएल के इस महासंग्राम में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स का एक बड़ा बदलाव। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 2023 में भुवनेश्वर कुमार के नेतृत्व वाली सनराइजर्स हैदराबाद के राजस्थान रॉयल के खिलाफ में आईपीएल 2023 के 4थे मुकाबले में 72 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2023 के 4थे मुकाबले में 72 रनों से करारी शिकस्त दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने जोस बाटलर, यशवी जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेटें खोकर 203 रन बनाए। इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 131 रन ही बना सकी। राजस्थान द्वारा मिले 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले ही ओवर में 2 विकेट गंवा बैठी, जिसके कारण वह फिर मैच में वापसी नहीं कर पाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करेंगे राजस्थान वर्सेस दिल्ली कैपिटल। राजस्थान रॉयल्स की 3 मैचों में 2री जीत। क्या है सिलसिला, चलिए कुछ जानते हैं। दिल्ली कैपिटल को आईपीएल के 16वें सीजन में अपनी पहली जीत के लिए अभी और इंतजार करना होगा।
बारसपारा स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट के 11वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने उसे 57 रन में मात दी। यहां 3 मैच में दिल्ली की लगातार तीसरी हार है। कप्तान डेविड वार्नर ने सीजन का दूसरा अर्धशतक 55 गेंद में 65 रन जरूर जमाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 60 रन और जोस बाटलर 79 रन शानदार लय जारी रखते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। दोनों के बीच 51 गेंद में 58 रन की साझेदारी हुई। जायसवाल ने 31 गेंद की पारी में 11 चौके और एक छक्का जड़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरीके की अगर न्यूज चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। IPL के हर साल में कुछ न कुछ नया हमको देखने को मिलता है। सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2023 में अपनी पहली जीत हासिल की है। रविवार 9 अप्रैल को हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में SRH ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से मात दी है। सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के हीरो राहुल त्रिपाठी रहे, जिन्होंने मैच जिताऊ पारी खेली। राहुल त्रिपाठी की इस पारी की बदौलत SRH ने 17 गेंद बाकी रहते ही 144 रनों का टारगेट हासिल कर लिया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार 19 अप्रैल को हुए मुकाबले में सनराइजर्स की शुरुआत खराब रही थी। एडन मार्करैम और राहुल त्रिपाठी की जोड़ी क्रीज पर जम गई, तो फिर क्या था, दोनों ने नाबाद 100 रनों की पार्टनरशिप करके अपनी टीम को जीत दिला दी। फिर से अगर वही बात करें राहुल त्रिपाठी की, तो राहुल त्रिपाठी ने 48 गेंदों पर नाबाद 74 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाकर गुजरात को ढेर कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता की जीत के हीरो रिंकू सिंह रहे, जिन्होंने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाए। मैच के आखिरी ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 29 रनों की आवश्यकता थी। यश दयाल के उस ओवर में पहली गेंद पर उमेश यादव ने 1 रन लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दिया। इसके बाद जीत के लिए 5 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत थी। फिर बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू ने मैच में छक्कों का ऐसा पंच जड़ा कि गुजरात की टीम देखती रह गई। रिंकू सिंह 21 गेंदों पर 48 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। पहली बार IPL के आखिरी ओवर में इतने रनों का सफलतापूर्वक पीछा किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट IPL से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर बात करें शेखर धवन की, तो इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2 मैचों में 126 रन बनाए हैं, तो विराट कोहली ने चौथे स्थान पर जगह बनाई है। इसके अलावा संजू सैमसन ने 2 मैचों में 97 रन बनाकर 5वें स्थान पर हैं। पर्पल कैप की रेस में टॉप पर हैं 2 मैचों में 8 विकेट लेने वाले LSG के मार्क वुड, जो तीसरे मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नहीं खेल पाए थे। उनके बाद दूसरे स्थान पर रवि विश्नोई हैं, जिन्होंने उनके कांटे की टक्कर देते हुए उनकी पोजीशन पर खतरा बढ़ा दिया है। लेकिन वरुण की इकोनॉमी शानदार है और इस कारण वह 3 दिनों सबसे ऊपर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रोज इसी तरीके से IPL से जुड़ी हुई ताजा चटपटी खबरें आपको सुनने को मिलेगी। आज बात करेंगे SRH की। SRH का हुआ बुरा हाल, LSG पहुंची टॉप पर। IPL 2023 पॉइंट टेबल लखनऊ सुपर जॉइंट ने सनराइजर्स को 5 विकेट से हराकर आसान जीत दर्ज की है। KL राहुल की टीम की इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 16वें संस्करण का शुरुआती एक हफ्ता पूरा हो चुका है और 10 मुकाबले अभी तक खेले जा चुके हैं। पॉइंट टेबल में भी अब भी काफी खलबली देखने को मिल रही है। शुक्रवार को लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से शिकस्त दी है। इस जीत के बाद SRH की टीम का बुरा हाल हो गया है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम ने नंबर 5 से सीधे टॉप पोजीशन पर छलांग लगा दी है। वहीं अपने दोनों मैचों में हारने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 10वें स्थान पर ही है और उसका नेट रन रेट अब सबसे खराब -2.867 हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी पारी में 180 रन भी नहीं बना पा रही है कोई टीम। जानिए कितना असरदार रहा इम्पैक्ट प्लेयर नियम। सबसे पहले बात करते हैं IPL 2023 इम्पैक्ट प्लेयर रूल की। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 16 के 13 मैच बीत गए हैं। इस सीजन कई नए नियम आए थे, लेकिन सबसे अधिक चर्चा इंपैक्ट प्लेयर नियम की रही। दावा किया गया था इस नियम के आने से टॉस का महत्व खत्म हो जाएगा। नियम के तहत इंपैक्ट प्लेयर एक खिलाड़ी को मैदान पर रिप्लेस करेगा।
अब बात करेंगे पहली बारी में बने औसत की। पहली बारी में बने औसत 1883 रन। आईपीएल के 12 मैच खेले जा चुके हैं और 13वां मैच फिलहाल केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है। वहीं दूसरी पारी में कोई भी टीम अभी तक 180 रन के टारगेट को चेज नहीं कर पा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।